हेलो गाइस गाइस, आज की हमारी वीडियो में हम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के बारे में डिटेल में समझेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रिट के ऊपर, उसमें मैंने बहुत कुछ बता रखा है रिट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, आपका रिट का बेसिक कंसेप्ट शुरू क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। आज हम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को, अकेली रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लो विद ट्विंस इंस्टाग्राम पेज का नाम है, प्लीज़ फॉलो कर लें। यहाँ पे हम जनरली लाइव आते रहते हैं, और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं LLB BA LLB के एग्ज़ाम, उनको हम डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पेज का नाम है लो विद ट्विंस, चैनल का नाम है लो विद ट्विंस, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। और इसमें हम लोग जो भी हम करने जा रहे हैं या नए चैनल लाइव आने जा रहे हैं, उसमें हम अपना जो लिंक है वीडियो को डालते रहते हैं, आपको हेल्प काफ़ी होगी, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। तो आज गाइज, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज मैं अपना टॉपिक जो है सबसे पहले मीनिंग से शुरू करूंगा, आपको मीनिंग बताऊंगा। लेकिन अगर आपको रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का क्वेश्चन अकेला पेपर में आता है तो आपको इंट्रोडक्शन भी लिखनी है। इंट्रोडक्शन क्या है हल्की सी बता देता हूं, मैंने पिछली वीडियो में इवन डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन, वही आपको यहां लिखनी है, फिर भी आपको बता देता हूं। देखो गाइज, आप ये लिखोगे इंट्रोडक्शन में कि अगर हम रिट की बात करें तो रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं और कोई इशू नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट इशू करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंडर, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंडर रिट इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट कब भी रिट इशू करता है, जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो तो उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट इशू कर सकता है। और अगर बात की जाए हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट भी अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो उस केस में रिट इशू कर सकता है 226 आर्टिकल के अंडर। और साथ ही साथ हाई कोर्ट तब भी रिट इशू कर देता है जब आपके लीगल राइट्स वायलेट हुए हों, अर्थात चाहे आपके फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुए हैं, लीगल राइट वायलेट हुए हैं, तब भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है 226 आर्टिकल के अंडर। मतलब बोलने का ये हुआ कि जो हमारा हाई कोर्ट है उसकी जो पावर है वो ज़्यादा वाइड है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पे भी रिट इशू कर सकता है और लीगल राइट के वायलेशन होने पे भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तभी रिट इशू कर सकता है आर्टिकल 32 के अंडर। अगर आपको पता नहीं है कि फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या फ़र्क है तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो अब हम मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है ये कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, इंग्लिश मीनिंग नहीं है, बल्कि एक लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड है रिट ऑफ हैबियस, जो हैबियस कॉर्पस है ये लैटिन वर्ड है, विच मीन्स टू हैव द बॉडी, जिसका मतलब होता है हमारे सामने बॉडी लेकर आओ, या टू प्रोड्यूस द बॉडी, हमारे सामने बॉडी पेश करो। जब कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को किसी व्यक्ति के को अपने पास बुलाना हो, किसी व्यक्ति की बॉडी अपने सामने पेश करवानी हो, तब जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू करते हैं, जिसके अंडर वो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को बोलते हैं कि हमारे सामने पर्टिकुलर बंदा लेकर आओ। अब क्या लेकर आओ बताता हूँ मैं आपके। देखो पुलिस मान लो किसी बंदे को डिटेन करती है, अरेस्ट करती है, तो पुलिस की ड्यूटी बनती है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में ये बोला हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जब भी पुलिस किसी बंदे को अरेस्ट करेगी तो पुलिस की ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को पुलिस जो है वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। फिर जो मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो देखेगा कि जो अरेस्ट हुई है वो लीगल हुई है या इलीगल हुई है, सही है गलत है, वो खुद देखेगा। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चाहेगा तो जो अरेस्ट है उसको कंटिन्यू कर देगा, अगर वो चाहेगा तो अरेस्ट करने के लिए मना कर देगा, डिटेंशन के लिए मना कर देगा कि डिटेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये ड्यूटी होती है पुलिस की कि किसी भी कैदी को, किसी भी अरेस्टेड पर्सन को, डिटेन किए हुए बंदे को 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। पर मान लो कि अगर कोई पुलिस जो है किसी बंदे को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद वो पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं करवाती, 48 घंटे हो जाते हैं तब भी पेश नहीं करवाती,
तो पुलिस क्या कर रही है, उस कैद किए हुए बंदे का फंडामेंटल राइट वायलेट की कर रही है, आर्टिकल 22 के अंदर दिया हुआ है। तो जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो जो उसके घर वाले हैं, इवन ये खुद भी जो कैदी है वो खुद भी या उसके घर वाले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 अपने फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करने के लिए, या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो अगर उसके घर वाले, उसके सगे संबंधी, उसके फ्रेंड जो हैं कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट को बोलते हैं कि सर हमारे बंदे को पुलिस ने कैद कर रखा था और आज 2 दिन हो गए हैं, उसने ना तो वो किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश करवाया, अपने पास रखा हुआ है और उसके साथ गलत हो रहा है, तब इस केस में जो कोर्ट है वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू करता है और बोलता है अथॉरिटी को जिसने बंदे को डिटेन कर रखा है कि जो बंदा आपने डिटेन किया हुआ है उसको मेरे सामने पेश करो, उसकी बॉडी मेरे सामने लाओ और हम चेक करेंगे कि डिटेंशन लीगल है या इलीगल है, कि आपने सही डिटेन किया है या गलत किया है। अगर सही किया है तो ठीक है, अगर गलत किया है तो हम डिटेंशन को ख़त्म कर देंगे, कोर्ट ऐसा बोलता है, तब वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू करता है। एक बार आप मीनिंग ये वर्डिंग पढ़ लो, आपको बड़ा इजी समझ आ जाएगा। देखो मैंने लिखा हुआ बड़ी इजी लैंग्वेज में, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये एक ऑर्डर है कोर्ट का, विच इज इशूड बाय द कोर्ट कॉलिंग अपॉन ए पर्सन बाय हुम अनदर पर्सन इज डिटेन्ड। एक कोर्ट या ऑर्डर पास करता है जिसमें अंडर क्या है, कोर्ट बुलाता है एक पर्सन को जिसके द्वारा दूसरा पर्सन जो डिटेन किया गया है, पुलिस ने डिटेन कर रखा है तो पुलिस को बुलाएगा और क्या बोलेगा, टू ब्रिंग दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट, जिसको आपने डिटेन किया उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, एंड टू लेट द कोर्ट नो बाई वट अथॉरिटी ही हैज डिटेन, और कोर्ट को बताओ कि किस अथॉरिटी से आपने उसको डिटेन कर रखा है, क्या अथॉरिटी अभी डिटेन करने की, क्यों उसको अपने पास बंदी बना के रखा हुआ है। इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन द पर्सन इज टू बी ऑर्डर टू रिलीज, अगर कोर्ट को लगता है कि जो डिटेन किया हुआ बंदा है वो बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के कर रखा है, डिटेन करना बनता नहीं था, तो कोर्ट उसका ऑर्डर कर देगा उसको रिलीज किया जाए। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, देखो पुलिस जो है ना वो किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकती है अगर पुलिस को लगता है किसी बंदे ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पर मान लो पुलिस क्या करती है किसी बंदे को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर लेती है, जेल में डाल देती है, और देखो पुलिस की गलती है कि बंदे ने ऑफेंस तो कॉग्निजेबल नहीं किया हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल किया हुआ है, तो पुलिस नॉन कॉग्निजेबल के केस में ही जेल में डाल देते हैं जो कि गलत है, तब भी रिट इशू कर सकता है कोर्ट कि उस बंदे को जो जेल में डाला उसके हमारे सामने पेश करो और बताओ आपने किस अथॉरिटी से बंदे को अरेस्ट किया, और अगर लगता है कोर्ट को कि अरेस्ट जो किया हुआ है वो गलत किया हुआ है तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि उसको रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए। मैं यहाँ पुलिस की बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है। मान लो मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, मैंने देखे दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, मुझे लगा पता कि यार दोनों लड़ रहे हैं कहीं मर ना जाएं, मैंने एक को पकड़ा कमरे में कैद कर दिया, बाहर लॉक लगा दिया, उसको मैं आज नहीं खोल रहा, कल नहीं खोल रहा, परसों नहीं खोल रहा, तो उसके घर वाले बोल रहे हैं हमारा बंदा कहाँ है मैं बता नहीं रहा, तब भी घर वाले जो है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और कोर्ट मुझे ऑर्डर कर सकता है कि बंदे की बॉडी लेके आओ जो आपने डिटेन किया था। तो ये था इसका मीनिंग हो गया। अब हम इसका ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू करने का। हाँ जी गाइस, तो गाइस अब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है इसका ऑब्जेक्ट किसी को पनिश करना नहीं है, या पनिशमेंट देने के लिए इशू नहीं करवाई जाती, यह केवल और केवल जो बंदा गलत तरीके से डिटेन कर रखा है उसको रिलीज करवाने के लिए करवाई जाती है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू पनिश टू एनी पर्सन बट ओनली द रिलीज ऑफ पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। दूसरी बात क्या है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग द रिट इज टू प्रोवाइड ए क्विक एंड इमीडिएट रेमेडी फॉर द रिलीज ऑफ द पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। तो इसका ऑब्जेक्ट का उद्देश्य वो यही है कि जो बंदे को गलत तरीके से डिटेन कर रखा है, अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर रखा है, उसको रिलीज करवा दिया जाए। इसका ऑब्जेक्ट कोई पनिशमेंट देना नहीं है, बल्कि अनलॉफुल डिटेंशन से बंदे को रिलीज करवाना है, रिहा करवाना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के लिए कौन कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। अब हम गाइस डिस्कस करेंगे कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो अगर बात की जाए कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो प्रिजनर है जिसको डिटेन किया गया है, या तो वो अप्लाई कर सकता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के लिए, वो एप्लीकेशन दे सकता है, या फिर उसके भी हाथ में उसका कोई दोस्त कोई रिलेटिव भी दे सकता है। इवन दो कई बार तो कोर्ट सुओ मोटो भी एक्शन ले लेता है, अगर कोर्ट को कहीं से लगता है पता कि किसी बंदे को इलीगल तरीके से डिटेन कर रखा है उसको पेश नहीं किया जा रहा कोर्ट में, तो कोर्ट सुओ मोटो भी एक्शन ले लेता है
अपनी मर्जी से शिव मोटो खुद एक्शन ले लेगा और रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस इशू कर देगा। तो ये जो चरणजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, इस केस में कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट हेल्ड दैट एन एप्लीकेशन फॉर हैबिस कॉर्पस कैन बी मेड बाई एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिजनर के बिहाफ में, कोई भी उसका दोस्त रिश्तेदार कोई भी बना सकता है, एज वेल एज प्रिजनर हिमसेल्फ, जो प्रिजनर है वो खुद भी बना सकता है, इवन जो कोर्ट है वो शिव मोटो भी रिट इशू कर सकता है अपनी मर्जी से, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम ग्राउंड फॉर इशूइंग द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू डिस्कस कर लेते हैं कि किन ग्राउंड्स पे रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कोर्ट इशू कर सकता है। हाँ जी गाइज, तो गाइज अगर मैं ग्राउंड्स की बात करूँ कि किन किन ग्राउंड पे रिट इशू की जा सकती है, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनली तरीके से बात करेंगे पुराने समय में। अगर पुराने समय में बात की जाए तो पुराना तरीका था, तो पुराना ग्राउंड क्या होता है रिट इशू करने का, अगर किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर रखा है तो उस डिटेंशन के अगेंस्ट जो है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू हो जाती थी पुराने समय में, कि अगर कोई बंदा अनलॉफुल डिटेन कर रखा है तो कोर्ट इशू कर देता रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, जिसमें कोर्ट बोलता था उसको हमारे सामने पेश किया जाए। लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न अप्रोच थोड़ी चेंज हो गई है। इवन मैं आपको केस बताऊंगा, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। इस केस के बाद तो ये हुआ था कि कोर्ट ने बोला था, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बोला था कि रिट जो है वो अनलॉफुल डिटेंशन के केस में ही नहीं इशू कर सकते, बल्कि इसमें तो कर ही सकते हैं, बल्कि इसके सिवा अगर किसी का जेल में टॉर्चर हो रहा है, किसी कैदी के साथ गलत बिहेवियर हो रहा है, मारपीट हो रही है, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा कैदियों को, तो उस केस में भी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू करवाई जा सकती है। एक्चुअली जो ये सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, ये 1980 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक व्यक्ति था वो जेल में था, तो उस व्यक्ति ने देखा कि उसके जो दोस्त हैं जेल वाले हैं, बाकी लोग हैं जेल में जो कैदी हैं, उनके साथ बड़ा इनह्यूमन तरीके से बिहेव किया जा रहा था, जैसे कि हम वो लोग मानव हैं ही नहीं, अमानवता वाला बिहेव किया जा रहा था जेल में कैदियों के साथ। तो एक बंदे ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जज को एप्लीकेशन लिख दी और बता दिया कि कैसा कैसा सिस्टम हो रहा है और जेल में कैदियों के साथ बहुत गंदा बिहेव हो रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, एनवायरनमेंट नहीं अच्छा मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, बहुत बुरा हाल है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन्होंने इस केस को डिसाइड किया था, उन्होंने उस एप्लीकेशन को एज रिट पिटीशन ले लिया, रिट पिटीशन है हमारे पास आई हुई, उसे रिट पिटीशन ट्रीट किया एप्लीकेशन को और रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू कर दी और बोल दिया सबको, ड्रेड कर दिया जेलरों को कि आप लोग ढंग से काम करो। तो मतलब बोलने का कि इस केस में तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू कर दी गई थी, इवन अनलॉफुल डिटेंशन के लिए नहीं की गई थी, बल्कि कैदियों के साथ हो रहे टॉर्चर के अगेंस्ट की गई थी। तो जो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था, इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस ए कन्विक्ट हैड रिटन ए लेटर टू वन ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एलिजिंग द इनह्यूमन टॉर्चर टू ए फेलो जस्टिस कृष्णा अय्यर, ट्रीटेड दिस लेटर एज ए पिटीशन ऑफ हैबियस कॉर्पस, उन्होंने इसको हैबियस कॉर्पस पिटीशन ट्रीट कर लिया और बोल दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस ग्राउंड पे भी रिट इशू हो जाती है। लेकिन इसके बाद एक और केस भी है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी आप लिख दोगे कि मेनका गांधी के कोर्ट में, कोर्ट के मेनका गांधी के केस में क्या बोला था कि अगर किसी बंदे को आप अरेस्ट करते हो, डिटेन करते हो, तो आपका जो प्रोसीजर है वो सही होना चाहिए, वैलिड प्रोसीजर से आपको अरेस्ट करनी है, अगर आप इन वैलिड प्रोसीजर से अरेस्ट करते हो तब भी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू हो सकती है। मतलब बोलने का, कोर्ट हेल्ड दैट इफ एनी अथॉरिटी अरेस्ट द एनी अदर पर्सन विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर देन इट कैन बी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस अगेंस्ट द अथॉरिटी जिसने की अरेस्ट की थी। तो ये सारी बातें हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्या नई वीडियो में।